दोस्तों अभी बिना लाइसेंस का आप कैसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं जो स्क्रैप है, तो आज मैं एक ऑक्शन लेके आया हूं जिसमें ब्रास भी है, ब्रास स्क्रैप है, जिंक स्क्रैप है, एचएमएस है, उसके बाद में एल्यूमिनियम है, उसके बाद बहुत सारा स्क्रैप है और इसको आपके आपको लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है कि आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो आइए हम इस ऑक्शन के बारे में जानते हैं और यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो लिस्ट पहले ही आपके पास आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कृपया अभी हमने नया लिस्ट बनाया है, नया नंबर, अगर आपका नंबर छूट गया है तो कृपया आप मुझे मैसेज करें, आपका नंबर हम उसमें ऐड कर देंगे। यदि आप एक नया व्यूअर हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फ्री में भी कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे मिलता रहेगा। दोस्तों तो आइए हम एक स्क्रैप की बात करते हैं कि कैसे और कितने में इसको खरीद सकते हैं, कहां ये ऑप्शन लगा हुआ है। तो दोस्तों जो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये देखिए, ये स्क्रैप ब्रास जो है वो 8.75 मेट्रिक टन मतलब 8,750 किलो है और इस प्रोडक्ट का जो है ये जो अगर हम पीसेस में देखें तो टोटल जो है 50,000 पीस है, हो सकता है इसका कोई कुछ पार्ट्स हो, अगर हम इसका वजन देखें तो 8.75 मैट्रिक टन है, तो इसका जो बोली रहने वाला है वो पर मैट्रिक टन के हिसाब से रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा जब आप बिड करेंगे इसमें तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और करोड़ों में आपके पास एमएसटीसी का बिल आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों जब ये 8.75 मेट्रिक टन है इसमें आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बोली लगा के और इसको बोली लगा के आप इसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अब जब इसको बाय करेंगे आप देखिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जिंक स्क्रैप है, जिंक स्क्रैप 4 टन का है और ये जिंक स्क्रैप भी आप खरीद सकते हैं, इसके लिए भी कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। और हां ध्यान रहे कि ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र नासिक, नासिक महाराष्ट्र में पड़ा हुआ है। तो 4 टन हो गया वो जिंक, फिर उसके बाद में स्क्रैप ब्रास है, फिर ये 6.39 टन मतलब 6.5 टन के करीब है। तो देखिए ये छोटे छोटे भी जो ऑप्शन है इसमें भी आप पाते, देखिए हमारे पास ज्यादातर क्या है छोटे बायर है, तो छोटे बायरों के लिए एकदम बहुत अच्छा ऑप्शन है और महाराष्ट्र से खास करके आप हैं तो आपके लिए ये, पहले जाइए माल का इंस्पेक्शन कीजिए। ध्यान रहे दोस्तों हमारे कई क्लाइंटों ने बिना देखे माल खरीदा है, उनको कई लोगों को लॉस हुआ है, तो बिना देखे आपको डिसाइड नहीं करना है कि आप माल खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने स्टील खरीदा था अप्रोक्स 40 टन, जब वो नया माल लेने गए तो वो काफी जला हुआ प्रोडक्ट था, मतलब तो उनको लॉस तो नहीं हुआ क्योंकि रेट अभी बढ़ा हुआ है। तो ध्यान रहे कि इस तरह ऐसा भी आपके साथ भी हो सकता है, तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को देखने जाएंगे, देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि क्या ये प्रोडक्ट आपको लेना है। अब ये देखिए उसके बाद में है स्क्रैप आयरन एंड स्टील, ये 32.69 टन है, जिस हिसाब से अभी भाड़ा बढ़ा हुआ है, फ्रेट बढ़ा हुआ है, और मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपको इंपोर्ट करना चाहिए, आपको अभी ऑक्शन का माल खरीद के अपना काम चलाना चाहिए, क्योंकि भाड़ा जो है आसमान छू रहा है, वेसल अवेलेबल नहीं है, कंटेनर किसी देश के पास अवेलेबल नहीं है, हर जगह स्कार्सिटी है जिसके कारण भाड़ा आसमान को छू रहा है। तो इस समय में आप अगर किसी भी स्टेट से, देखिए माल महाराष्ट्र में पड़ा हुआ है लेकिन अगर आप दिल्ली से भी है तो भी आप जाके इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए विदेश से जो इंपोर्ट करेंगे, अभी ये 32 टन का मतलब है 2 कंटेनर माल, अब 2 कंटेनर को लाने में अभी 4-5 लाख रुपए जो आपका भाड़ा खर्च होगा वो यहां नहीं खर्च होगा, मुश्किल से मुश्किल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आ जाएगा इसका, अप्रॉक्स ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए आ जाएगा नासिक से यहां तक आपको ये माल कैरी करने में। तो दोस्तों ये मैं चाहूंगा कि आप खरीदें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए स्क्रैप आयरन एंड स्टील, अब आयरन एंड स्टील का भी है 4.5 मेट्रिक टन है, तो यदि आप एक बड़े बायर भी हैं तो इकट्ठे अगर आप सारा खरीद सकते हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते तो देखिए स्क्रैप आयरन एंड स्टील ये भी 2.98 मेट्रिक टन है मतलब 3 टन है, तो ध्यान रखें इसका जो बोली चलेगा वो होगा पर मैट्रिक टन, तो जो आपको वहां प्राइस दिखेगा उससे आपको कैलकुलेट करना होगा इतने को, तब जाकर के आपका प्राइस आपको दिखेगा। और ध्यान रहे कि इस पे 18% जो जीएसटी लगेगा वो प्लस होगा, जो कि बाद में आपको एडवांस टैक्स के तौर पे जमा करके रिसिप्ट देना होता है वहां पे, तब इस माल की डिलीवरी होती है। तो दोस्तों इस तरह के प्रोडक्ट के लिए यदि आप एक स्क्रैप बायर है तो आप हमारे साथ जुड़िए, कोई जरूरत नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन करने का, लेकिन हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन लीजिए, आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे से ताकि आप आगे आगे चल के इस काम को कर सके। हमारे बहुत सारे क्लाइंट है जो पहले हमसे जुड़े उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो हमें देखते गए, जैसे जिस हिसाब से हमारे जो कस्टमर है वो माल खरीदते गए,
तो क्या होता है, तो वो लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और आज वो एक सक्सेसफुल बिडर बन चुके हैं और वो अपने स्टेट के साथ साथ दूसरे स्टेट से भी माल खरीद पाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, माल इतना है कि कोई कमी नहीं है। मैं कितने पे वीडियो बना लूंगा, 2, 4, 10, 20, आपको पता है एक दिन में 150 ऑक्शन होते हैं, तो 150 ऑक्शन को कवर करना मेरे लिए नामुमकिन ही है और आपके लिए भी नामुमकिन है। तो यदि आप स्क्रैप के डीलर हैं तो सिर्फ स्क्रैप पे ध्यान दीजिए, उस पर आप सक्सेस कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है, एक नया जो बायर होता है वो सोचता है मैं ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, तो उसके चक्कर में क्या होता है, उसको लॉस होता है, हर जगह वो दौड़ता है पर वो माल नहीं ले पाता है। दूसरा, इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, वो इंट्रेंसिक वैल्यू लगाना आपको सीखना पड़ेगा। अगर वो नहीं सीख पाते हैं तो सोच लीजिए कि आप उस हिसाब से फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब ये ध्यान रखिए कि आजकल जो कॉपर का रेट चल रहा है, ये आपको वो रेट नहीं लगाना है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत कम लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कॉपर अगर अभी 600 रुपए किलो बिक रहा है और आप सोच रहे हैं कि हमको 100 रुपए में मिल जाए, तो ये गलत होगा। हाँ, अगर 600 रुपए चल रहा है तो आपको 400 से 500 रुपए तक मिलना चाहिए और ये एक जेन्युइन रेट है, तो इस रेट तक आप इस माल को खरीद सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कृपया हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो कृपया मेरे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप बताइए कि मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं, क्या आपका इसका ऑप्शन आपके पास आता है। तो उससे क्या होगा कि जब भी हमारे पास वो ऑप्शन आएगा, हम उसका लिस्ट आपसे शेयर करेंगे ताकि आप प्रिपेयर होकर उस प्रोडक्ट को खरीद पाए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।